सुनने तो पहले ही तोड़ दिए अभी तो उनको क्या कह रहे हैं ये बच्चे लोगों की कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सब स्टेज की वजह से हुआ है। मैं तो इसीलिए कहा कि मैं इंशाल्लाह देखिए मैं आपको बताऊं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब इस इलाके के बड़े ही मशहूर मुकर्रर हैं जिनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ लाते हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चार पांच गांव से लोग आए हैं, केदार से आए हैं और खड़ई की तरफ से आए हैं, बहुत सारे इलाके से बहुत दूर दूर से बेचारे सारे लोग दीघा की तरफ से आए हैं, वो सारे लोग आए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें सुनने के लिए नहीं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब के लिए आए हैं कि मौलाना का नौजवान खिताब करने वाले कई मुकर्रर ऐसे हैं जिनमें से सभी फहरिस्त हज़रत मौलाना का इस वक्त इलाके में नाम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत दूर 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 से वो आए हैं तो ये मजमे में हलचल देखेंगे तो उनका दिल टूटेगा। आप अगर चाहे तो मोहब्बत के साथ बैठ सकते हैं, वो आधा ही घंटा बयान करेंगे मगर आपकी मौजूदगी में वो करेंगे, वरना हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा हमारा फातिहा। जिस तरीके से आप लोग बैठे रहेंगे वो देर तक सुनाएंगे तकरीर करेंगे, वरना वो भी चंद कलमात पेश करके वो अपनी जगह ले लेंगे, दुआ करा देंगे, फिर जलसा खत्म हो जाएगा। मगर नौजवानों का मिशन ये था कि ये जलसा फजर तक चले, ये आप ही चला सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है या अल्लाह जो बचे खुचे लोग हैं वो इस तरीके से सिमट के बैठ जाए ताकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब वो आए तो उनका दिल खुश हो जाए। इरादा है आप लोगों का, जो भी बचे हुए लोग हैं बैठ जाए, अगर उर्दू आप लोगों को समझ में आती है तो दो तीन शेर पढ़ करके मैं मौलाना को दावत दूंगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मौलाना तशरीफ लाएंगे। बल्कि मैं दावत देता हूँ अपने बड़े ही मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो अररिया बिहार की सरजमी से तशरीफ लाए हैं, वो उनकी जगह वो नहीं है, उनकी जगह ये है, वो यहाँ पे तशरीफ रखे और आपकी फरमाइश के मुताबिक माँ के हवाले से चंद शेर मैं पेश कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हजरत मौलाना आपके रूबरू होंगे और आपका जलसा इंशाअल्लाह इख्तिताम तक जाएगा। कितने लोग हैं जो माँ से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, जरा हाथ उठाए। दिल खैराबादी इन तमाम माँ के लालों की नजर एक मौका पेश करता है, उसने खास समाज फरमाया कि किसी आलिम की तौहीन अगर हो तो हकीकत में ये पूरे आलम की तौहीन होती है। आलिम दीन की तौहीन करने वाला कसम खुदा कि इस दुनिया में भी चैन से नहीं रह सकता और आखिरत में उसका जहन्नम ठिकाना होगा। इसलिए हमें उलमा इकराम की सबसे ज्यादा कद्र करनी चाहिए।
अगर जरा सा भी हया होगी आपने तो ये शेर सुन के बतलाना, मैं भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। लहजा फरमाए कि जिसे कदर भी हो सके बेपरदगी को रोकिए, जिसे कदर भी हो सके बेपरदगी को रोकिए, जिसे कदर भी हो सके बेपरदगी को रोकिए, बेटियों की ओर छोटा सा मैसेज मुलाजा फरमाया।